अरेंज और अलाइजन एंड डिस्ट्रीब्यूट कमांड्स। देखिए अलाइजन एंड डिस्ट्रीब्यूट बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं और एक कोडर में ग्राफिक बनाने के साथ में आपको इसके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप अच्छी ग्राफिक नहीं बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट को अलाइन नहीं कर सकते हैं, पर्टिकुलरली उसको एक सिस्टमेटिक वे से आप उसको सेट नहीं कर सकते। तो इसको समझने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सिंपल से रेक्टेंगल बना दिया और एक और रेक्टेंगल बना देता हूँ मैं आपके सामने। इन दो ऑब्जेक्ट को आकर आपस में मेरे को अलाइन करना है। अब अलाइन का मतलब है कि इस छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स के साथ में या दो ऑब्जेक्ट को मैं किस पोजीशन में रखना चाहता हूँ। जैसे मैं इस बॉक्स को इसके बिल्कुल सेंटर में रखना चाहता हूँ, टॉप सेंटर रखना चाहता हूँ, बॉटम सेंटर है आपका, लेफ्ट सेंटर है, राइट सेंटर है, या टॉप कॉर्नर पे है, तो मैनुअली मेरे को ऑब्जेक्ट को पिक करके ड्रैग करके लेके जाना पड़ेगा। उसमें कहीं कहीं टाइम कंज्यूम होता है और कहीं कहीं एक जो एक्यूरेसी लेवल है बहुत कम आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स भी बने, अगर आप इनको बड़े गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या है क्या नहीं है। अलाइन लेफ्ट, उसी के साथ में एल लिखा हुआ है, यानी अगर आपको दो ऑब्जेक्ट को आपस में इस तरह से सेट करना है तो दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें, दो से अगर अधिक है उनको भी सेलेक्ट करें, अगर ओके एल प्रेस कर दी तो ऑटोमेटिक आपकी ऑब्जेक्ट इस तरह से सेट हो जाएगी, अगर आर प्रेस करेंगे तो राइट साइड में सेट हो जाएगी, अगर टॉप अगर करना है इस तरह से तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें और टी प्रेस करें, और अगर दोनों ऑब्जेक्ट को इस तरह से बॉटम में अगर सेट करना है तो बी प्रेस करें। ये अलाइन सेंटर होगी, इस तरह से दो ऑब्जेक्ट आपस में सेंटर होंगे ई से, और अगर आपको वर्टिकली करना है तो सी प्रेस करें। प्रैक्टिकल करके देखते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, देखिए इस तरह से अरेंज अराइजन और लेफ्ट, तो देखिए ऑटोमेटिक लेफ्ट साइड आ गया। नेक्स्ट अगर मैं राइट कर रहा हूँ तो राइट साइड आ जाते हैं ऑब्जेक्ट, अगर मैं टॉप करूँगा तो टॉप साइड चल जाएंगे। तो यानी कि L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट, T फॉर टॉप, B फॉर बॉटम, E फॉर हॉरिजेंटल और C फॉर सेंटर वर्टिकल। यानी कि मैं बिना यहाँ पे मेनू बार की हेल्प से इस शॉर्टकट कमांड के द्वारा भी मैं अलाइन कर सकता हूँ। देखिए ये अलग अलग कर दिए मैंने, ओके सेलेक्ट किया इस तरह से, मैं B प्रेस कर रहा हूँ तो बॉटम, तो देखिए बॉटम इक्वल हो गया इस तरह से, अगर आप T प्रेस करेंगे टॉप साइड, अगर आप L प्रेस करें लेफ्ट साइड, R प्रेस करें राइट साइड, अगर E प्रेस करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल सेंटर, और अगर C प्रेस करेंगे ये वर्टिकली सेंटर। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं, यानी कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप अलाइन कर सकते हैं। करना है क्या आपको, केवल जितने भी ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है उन ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करें इस तरह से, और जो आपको बताई गई कमांड का प्रयोग करें, वापस L फॉर लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट, R फॉर राइट, T फॉर टॉप, B फॉर बॉटम, E फॉर सेंटर हॉरिजॉन्टल और C फॉर सेंटर वर्टिकल, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। वापस देखिए अगेन सेलेक्ट करते हैं, B से बॉटम, T से टॉप, L से लेफ्ट, R से राइट, E फॉर हॉरिजॉन्टल सेंटर, C फॉर वर्टिकल सेंटर। इसी के साथ में अगर आप इन ऑब्जेक्ट को बिल्कुल पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आइए और सिंपल सा P प्रेस कर दीजिए, कोई कमांड का यूज नहीं करना, कोई शिफ्ट का यूज नहीं करना, सिंपल सा P प्रेस कर दीजिए, इस तरह से आपका ये पेज के सेंटर में। इसी के साथ में देखिए आप देखिए यहाँ पे जब आप इसमें जाएंगे यहाँ पे दो और कमांड, सेंटर ऑफ हॉरिजेंटल और सेंटर टू पेज वर्टिकल, यानी पेज के हॉरिजेंटल यूज करना है, वर्टिकल यूज करना, ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते। कैसे, देखिए मैंने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल आउटसाइड रख दिया, मैंने बिल्कुल अब मैंने केवल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने क्या है हॉरिजेंटल, देखिए हॉरिजेंटल ये आपका हॉरिजेंटल सेंटर हो गया बिल्कुल,
ओरिजिनल पे सेंटर हो गया ये, इस तरह से ओरिजिनल पे सेंटर बिल्कुल पेज के बीच में है ये इस तरह से। और अगर मैं इसको करता हूँ आपका वर्टिकल सेंटर, देखिए बिल्कुल वर्टिकल आपका सेंटर आ गया ऑब्जेक्ट, ये वर्टिकल यू देखिए। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अलाइन कर सकते हैं यहाँ पर इन कमांड के द्वारा। डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट, डिपेंड करता असाइनमेंट कैसा है कैसा नहीं। इसी के साथ में देखिए यहाँ पे एक अराइजन डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे, देखिए बिल्कुल यहाँ पर अराइजन, इस पर जब आप क्लिक करेंगे इसका एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। इसका आप यूज़ कर सकते हैं चाहे तो, कैसे यूज़ करेंगे देखिए, एक ऑलरेडी बॉक्स बना, इसको समझाने के लिए समझने के लिए एक और बॉक्स बनाते हैं अपन। दोनों ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, टॉप इस तरह से करना है, अप्लाई करिए देखिए टॉप। अब टॉप में तीन साइड होती है, टॉप में ये मेन बॉक्स है, ये राइट हो गया, ये सेंटर हो गया और ये आपका लेफ्ट। तो किस साइड चाहिए आपको, टॉप में तो चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए लेफ्ट क्लिक करिए, राइट चाहिए राइट क्लिक करिए, सेंटर चाहिए सेंटर क्लिक करिए, अगर बॉटम चाहिए तो बॉटम पे क्लिक करिए। इस तरह से आप यूज़ कर सकते अलाइनमेंट। बार बार प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ में होता है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट को समझने के लिए हम कुछ यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कुछ। देखिए कुछ मैं यहाँ पे सेम साइज के बॉक्सेस बना देता हूँ यहाँ पे, इस तरह से कुछ बॉक्सेस बना देता हूँ इस तरह से, इस तरह से। अब देखिए बहुत सारे बॉक्सेस हैं, इनकी जो बिटवीन स्पेस है बॉक्सेस की, ये मैं इक्वल चाहता हूँ, इन बॉक्सेस की बिटवीन स्पेस को मैं इक्वल करना चाहता हूँ। सेलेक्ट करें, बिटवीन स्पेस आप इक्वल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए स्पेस अप्लाई करें, हो गया ओपन, पोजीशन ये थी। आपको इनके बिटवीन स्पेस इक्वल करना था, सेलेक्ट किया स्पेसिंग पे क्लिक किया आपने स्पेस, यही पोजीशन अगर मान लो वर्टिकल होती, वर्टिकल कैसे होती देखिए वापस देखिए इस तरह से। कोई मैं कुछ और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर देता हूँ इस तरह से, कुछ बहुत सारे मैंने बॉक्सेस बनाए इस तरह से, इनकी बिटवीन स्पेस मेरे को इक्वल करना है वर्टिकल, तो आप इसको हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए देखिए सेलेक्ट करें अप्लाई करें तो बिटवीन स्पेस इक्वल हो गया, पर हुआ क्या है एक्चुअली कि यहाँ से अलाइनमेंट में नहीं है। आप चाहते हैं कि बिटवीन स्पेस तो इक्वल हो गया पर अलाइनमेंट भी सही हो गया, तो अलाइनमेंट में आइए और यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर दीजिए, देखिए लेफ्ट एंड लेफ्ट इक्वल हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट में बिटवीन स्पेस इक्वल हो जाएगा, अप्लाई करें इस तरह से। तो जब हम कोई भी ग्राफिक बनाते हैं बहुत इसका मेन पार्ट यूज होता है, हो सकता है शुरू में आपको कंफ्यूज हो पर इसकी अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। और मेरे प्रीवियस वीडियो में भी कुछ इसी के साथ में एक्सरसाइज आपको बताई थी, और आने वाले वीडियो में आपको इन एक्सरसाइज के बारे में, इन कमांड्स के बारे में बताऊंगा। बस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखें, एक बार नहीं समझ में आए दोबारा उसको रिप्ले करें, तीसरी बार रिप्ले करें, और अगर दो तीन बार देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके बाय बाय, थैंक यू।